विकास अघाड़ी के अति विराट व जमुई सभा अमित शाह जमीन क्या होती है वो महाराष्ट्र की जनता आपको दिखा देगी। उद्धव ठाकरे का करारा प्रत्युक्त, महाराष्ट्र की आलोचना और मुंबई का वस्त्र हरण रोकने के लिए अब यह वज्रमूठ और वज्रमूठी का ऐसा मुक्का मारिए कि भाजपा और गद्दार दमी दोज हुए बगैर ना रहे, ऐसा आह्वान शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कल मुंबई करो सहित राज्य के तमाम जनता से किया। अमित शाह महानगर पालिका ही क्या, सभी चुनाव एक साथ कराओ, फिर जमीन क्या होती है वह महाराष्ट्र की जनता आपको दिखा देगी। ऐसा तीखा जवाब उद्धव ठाकरे ने दिया महाविकास अघाड़ी की अति विशाल वज्रमूठ सभा कल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीकेसी मैदान में संपन्न हुई। इस दौरान शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा और गद्दारों की जमकर खबर ली। भाजपा का पाखंडी और गद्दारों की गद्दारी की पोल उन्होंने खोल कर रख दी। उस दौरान बीकेसी में एक ही जयकारा गूंजा, महाविकास अघाड़ी की विजय। मुंबई को जो महाराष्ट्र से अलग करेगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, उद्धव ठाकरे की कड़ी चेतावनी। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र दिवस एवं कामगार दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह राजधानी मराठी लोगों के बलिदान के बाद मिली है, इस लड़ाई में महिलाओं ने भी पराक्रम दिखाया है। कल रात हुतात्मा स्मारक पर नतमस्तक होने गए थे लेकिन वहां कोई तैयारी नहीं थी, कोई भी सरकारी कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था, सभी सजावट शिव सैनिकों ने की। गद्दारों से मैं कहना चाहता हूं कि भूमि पुत्रों ने यदि बलिदान नहीं दिया होता तो गद्दारी करके भी तुम्हारा मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं था। मोरारजी जैसे नर राक्षस तब सत्ता में थे, मुंबई वैसे मिली, आज यह भूले तो मुंबई से नाता टूट जाएगा, आपके लोग बोलेंगे तो हमारे लोग चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस ने उन्हें 91 गालियां दी, मैं उन गालियों को लेकर समर्थन नहीं करता, लेकिन मोदी जी जब आप तब आप उनको क्यों नहीं रोकते हैं? आपके लोग मुझे आदित्य और परिवार को लेकर क्या क्या बोलते हैं तब आप बोलते क्यों नहीं हैं? आप क्यों बर्दाश्त करते हैं? आप कहते हैं संजय राउत बोलते हैं, जब आपके फालतू लोग ऐसी बात करेंगे तो हमारे लोग भी बोलेंगे। अब वर्ग का मूड है, जवाब तो देंगे ही। महाविकास अघाड़ी एक वर्ग का मूड है, उसका परिणाम है कि महाविकास अघाड़ी ने सभी चुनावों में उन्हें मात दी है।